कायम की टक्कर में अधिकार मंत्री मुर्दाबाद 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 मांग लेकर काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हिसार में एक बार फिर नगर निगम कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने खट्टर सरकार पर वादा खिलाफी और कर्मचारियों का हक मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद कर्मचारियों ने नगर निगम के सहायक आयुक्त प्रदीप हुड्डा को सीएम के नाम मांग पत्र भी सौंपा। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो जो 29 तारीख की जो बातचीत हमारी हुई थी मंत्री जी के साथ, उसके परिपत्र अभी तक मंत्री जी ने इशू नहीं किए, तो कर्मचारियों में रोष है। हम कहना चाहते हैं जो प्रोसीडिंग कॉपी आपने भेज दी है, जिन मांगों पे सहमति होगी है उसके परिपत्र भेजना शुरू करें, ताकि कर्मचारियों को ये पता लगे कि भाई हमारी मांग इतनी माननीय है और इतनी नहीं माननीय है। अब कर्मचारी हमारे से सवाल कर रहे हैं, आए दिन ये बातें चलती है कि भाई क्या मानना है क्या नहीं मानना, तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जो जिन मांगों पे हमारी सहमति बनी है उनके परिपत्र जो है जल्द से जल्द जारी करें, अन्यथा हम दोबारा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे, फिर इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार की हो। वहीं आक्रोशित सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के हॉल में एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है, जिस कारण वो एक बार फिर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उनकी हाजिरी का साइज बनाकर दिया जाए, पक्के कर्मचारियों का जो सफाई भत्ता काटा गया है वो दोबारा से लागू किया जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए। साथ ही सरकार के साथ जो समझौता हुआ है उसके अनुसार सभी कौशल रोजगार अनुसार वेतन दिया जाए। उन्होंने जीपीएफ एडवांस और मेडिकल बिल 7 दिन के अंदर देने की भी मांग की है। पहले काफी बारी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री से भी बात हुई, इस बार मामले में मंत्री से ही बात हुई, कविता जैन थी जो हमारी मंत्री, उनसे ही बातचीत हुई है। वही बातचीत तो कर लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन उसे व्यवहार में लागू नहीं करते। लेटर लगातार रोके हुए हैं जब से सरकार है ये भाजपा की। ये कर्मचारी विरोधी है, समझौते कर लेती है, चाहे सर्व कर्मचारी संघ के साथ हो चाहे किसी और संगठन के साथ हो, समझौते कर लेती है लेकिन उसको व्यवहार में लागू नहीं करती। इसलिए सारे कर्मचारी, तमाम हरियाणा के कर्मचारी इस रोष है बहुत ज़्यादा, या तो इनकी डिमांड जल्दी करके मान ली जाए, अन्यथा दोबारा ये लोग हड़ताल पर जाने का कष्ट करेंगे और पब्लिक से माफ़ी चाहेंगे कि हम रोज़ रोज़ ये हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार जानबूझ के लोगों को परेशान करवाने के लिए हड़ताल करवाने पे सफाई कर्मचारियों को नगर पालिका के कर्मचारियों को मजबूर। बहरहाल नगर निगम सहायक आयुक्त प्रदीप हुड्डा ने सफाई कर्मचारियों की मांगे सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने अपना धरना खत्म किया। अब देखना होगा सरकार कर्मचारियों की मांगे कब तक पूरी कर पाती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।